जयललिता के राजनीतिक सफर में कुछ नाम ऐसे हैं जिन्हें जयललिता के वफादार के नाम से जाना जाता है। पनीर सेल्वम और शशिकला ऐसे ही दो नाम हैं जो जयललिता के बेहद ही करीब थे। जयललिता और शशिकला की दोस्ती असल जिंदगी में जय और वीरू की तरह थी। आइए जानते हैं कि कैसे शशिकला जयललिता की खास बन गई। जयललिता का राजनीतिक सफर बेहद ही मुश्किलों भरा रहा। उनकी जिंदगी में काफी उतार चढ़ाव आए, कई लोगों ने उन्हें भला बुरा कहा। जिंदगी के सफर में कईयों ने उन्हें गिराना चाहा, लेकिन कुछ हाथ ऐसे थे जो हर वक्त उन्हें थामने के लिए तैयार थे। कुछ लोग ऐसे थे जो उनके हर दुख दर्द में साथ खड़े रहे। कुछ लोग ऐसे थे जो उनकी ढाल बनकर हर मुश्किल को झेलने के लिए तैयार थे, या यूं कहें कि अम्मा की एक आवाज पर वो अपनी जान निकालकर उनके कदमों में रखने को तैयार थे। शशिकला भी एक ऐसी ही शख्सियत हैं जो जयललिता के साथ हर रास्ते पर कदम ताल मिलाकर चली। शशिकला और जयललिता का साथ शरीर और आत्मा का था। जयललिता को कब क्या चाहिए, क्या पहनेंगी, इनका सबका ख्याल शशिकला को था। तमिलनाडु में तंजौर जिले के मन्नारगुड़ी गांव में पैदा हुई शशिकला को बचपन में स्कूल जाने के बजाय फिल्में देखना ज्यादा पसंद था, इसलिए पढ़ाई छूट गई और फिल्मों से उनका गहरा नाता जुड़ गया। फिल्मों का ही असर था कि शशिकला सुपरस्टार सी ऐशो आराम वाली जिंदगी जीने का सपना देखने लगी। माता पिता ने तमिलनाडु सरकार में जनसंपर्क अधिकारी की मामूली नौकरी करने वाले एम नटराजन के साथ उनकी शादी कर दी, जिसके बाद शशिकला राजनीति में भी रुचि लेने लगी। शशिकला की जयललिता से पहली मुलाकात तब हुई जब एम नटराजन सरकार में पीआरओ थे। उन्होंने आईएएस अधिकारी चंद्रलेखा की मदद से शशिकला की मुलाकात जयललिता से करवाई। इसी दौरान एमजीआर अपनी करीबी जयललिता को अपने उत्तराधिकारी के रूप में तैयार कर रहे थे, लेकिन एमजीआर की मौत के बाद जयललिता को पार्टी में दरकिनार कर दिया गया। तब शशिकला उनकी ढाल बनकर खड़ी रही। दोनों में इतनी करीबियां बढ़ी कि दोनों एक छत के नीचे रहने लगी। एक वक्त ऐसा भी आया था जब शशिकला की अनुमति के बिना कोई भी जयललिता से नहीं मिल सकता था। उनका रसूख पार्टी में इतना बढ़ गया कि मंत्री नीतिगत मसलों पर उनसे ही चर्चा करने लगे। उनके शब्दों को जयललिता का निर्देश समझा जाने लगा। सरकार के अलावा पार्टी में भी उनकी पकड़ मजबूत हो गई थी। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना था कि शशिकला के प्रभाव के चलते ही जयललिता ने उनके भतीजे वी एन सुधाकरन को अपना दत्तक पुत्र बनाया था। 1995 में जयललिता ने ऐलान किया कि वो सुधाकरन की शादी का जिम्मा एक माँ की तरह उठाएंगी। सुधाकरन की शादी देश की सबसे महंगी शादियों में आज तक शुमार है। 1991 से 1996 तक, यानी जयललिता के पहले मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान, शशिकला ने अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल कर बेहिसाब संपत्ति खरीदी। सुधाकरन की शादी के बाद सब कुछ अचानक बदल गया। 1996 में जयललिता को विधानसभा चुनावों में करारी हार का सामना करना पड़ा और भ्रष्टाचार की वजह से उन्हें जेल भी जाना पड़ा। राजनीति की फलक पर औंधे मुंह गिरने के बाद जयललिता ने शशिकला और उनके करीबियों से दूरी बना ली। यहां तक कि सुधाकरन को भी दत्तक पुत्र मानने से इनकार कर दिया। 17 दिसंबर 2011 को जयललिता ने शशिकला और उनके परिवार को अपने घर और पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। हालांकि यह अलगाव ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाया और दोस्ती में आई 100 दिन की दरार खत्म हो गई। लिहाजा शशिकला दोबारा जयललिता के करीब आ गईं और फिर जयललिता ने ये दोस्ती मरते दम तक निभाई। जयललिता ने अपने राजनीतिक और निजी जिंदगी में बहुत ज्यादा लोगों को अपना साथी नहीं बनाया। उन्हीं गिने चुने लोगों में शशिकला का नाम अहम है। भले ही पनीर सेल्वम को तमिलनाडु की कमान थमा दी गई हो, लेकिन माना जा रहा है कि सत्ता की चाबी शशिकला के हाथ में ही है।